गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो इनके फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशर। तो यार आज की जो वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने लगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया ने हासिल की है। तो वीडियो का टाइटल है भारत के ऐलान से चौंक जाओगे, भारत के ऐलान से चौंक जाओगे, इंडिया न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक। अब ये क्या है, मतलब इंडिया ने बना लिया एकदम, मुझे खुद नहीं आइडिया। हाँ कोई न्यू टेक्नोलॉजी है। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और खुश करने वाली खबर है, इसे जानकर आप खुश तो होंगे साथ ही आपको गर्व भी महसूस होगा। दरअसल भारत की तरफ से एक ऐसे हथियार का ऐलान किया गया है जो बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए कि ये हथियार ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके के जो हथियार होते हैं दुश्मन के उन्हें ध्वस्त कर सकता है, यानी कि ऐसे हथियार जो लड़ाकू भी हो और ऐसे हथियार जो रक्षक भी हो। एग्जांपल के तौर पर डिफेंस सिस्टम भी और इसके अलावा मिसाइलें भी, दोनों को तबाह कर सकता है। और ये हथियार है क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही कब तक ये भारतीय सेना में शामिल होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा भी मुझे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले समय में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों 2020 में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना जो चीन के साथ हुई उससे ये साफ हो गया कि आने वाले समय में भारत के लिए चीन ही नंबर वन दुश्मन होने वाला है और भारत को चीन को लेकर ही तैयारी। और तो कोई नहीं है भारत का। ऐसे में चीन और रूस का गठबंधन भी भारत के लिए मुश्किल का सबब है, क्योंकि रूस चीन को बहुत ही खतरनाक हथियार प्रोवाइड करा रहा है, खास करके डिफेंस सिस्टम, जैसे कि हाल ही में उसने S-400 दिया। इसके अलावा आने वाले समय में बताया जाता है कि S-500 भी देगा वो चाइना को, और इसके अलावा चीन खुद की भी कुछ छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में डिफेंस सिस्टम को तबाह करना, और उसके अलावा चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जो चीन तैयार कर रहा है, जिसे डोंगफेंग 17 या फिर डोंगफेंग 21 भी कहा जाता है। तो इन दोनों को टैकल करना बहुत ही मुश्किल है, खास करके हाइपरसोनिक मिसाइल को तो रोक ही नहीं सकते आप, अभी तक दुनिया में कोई मैकेनिज्म ही तैयार नहीं है। वही जो S-400 सिस्टम है या फिर S-500 आने वाले समय में 2-3 सालों में तैयार हो जाएगा, तो उसे भी रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ही लेथल हथियार हैं। तो ऐसे में भारत ने इन्हें रोकने का एक तोड़ ढूंढ निकाला है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने सारी एजेंसियों को कह दिया है कि सारे काम रोक दीजिए, सब इसे बनाइए। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया गया है। तो क्या है हथियार, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस हथियार का नाम है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म मतलब कि झुंड में चलने वाले बहुत सारे ड्रोन। दरअसल अगर आपको किसी डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करना है तो बहुत ही मुश्किल है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वही हम बात करें S-400 या फिर आने वाले S-500 की, तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हर एक चीज की कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, चाहे वो कितनी परफेक्ट हो। डिफेंस सिस्टम की भी कमजोरियां होती हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा भी हो। कमजोरी होती है कि ये लिमिटेड नंबर में टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि कुछ 10 की संख्या में, 15 या 20 की संख्या में ही ये एक बार में किसी जो टारगेट को हिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई हिट नहीं कर सकते। डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इतनी मिसाइलें लॉन्चर इनके पास होती नहीं है। तो ऐसे में भारत ने इसका तोड़ निकाला है, स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन में क्या होता है कि एक ड्रोन का पूरा झुंड होता है। ये ड्रोन भी ऐसे वैसे नहीं होते, ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं, यानी कि जो अपना टारगेट है उस पर गिरकर ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे में भारत की प्लानिंग ये है कि हमारे जो जैगवार एयर टू लैंड अटैक लड़ाकू विमान है, उसमें 24-24 की संख्या में ये स्वार्म ड्रोन लगाए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे सामने S-400 है या S-500 है, तो उसके सामने पहले जैगवार को भेजा जाएगा, वो स्वार्म ड्रोन छोड़ेगा। वो कितने S-400 S-500 के लिए पहले तो डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ड्रोन बहुत छोटे होते हैं, इन्हें रडार पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पकड़ भी लिया तो मुश्किल से 15-20 को ये डिटेक्ट कर पाएंगे या फिर मार गिरा पाएंगे, लेकिन ज्यादातर तो अपने टारगेट पर आसानी से पहुंच ही जाएंगे। और यही भारत की स्ट्रेटजी है जो बहुत ही कामयाब भी होने वाली है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो अच्छी कैपेबिलिटी ये भी होने वाली है आने वाले समय में कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकते हैं। कैसे, अगर लेकिन इसके लिए भारत को झुंड बड़ा बनाना होगा, जैसे कि अमेरिका काम कर रहा है। अमेरिका की प्लानिंग है कि हजारों जो स्वार्म ड्रोन का एक झुंड तैयार कर लिया जाए, जो सिंगल कंट्रोलर से चले, यानी कि एक ही आदमी कंट्रोल करता उन हजारों ड्रोन को, ऐसा एक पूरा झुंड तैयार किया जाए। और मान लीजिए कहीं पर इनकमिंग जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, डिटेक्ट तो आप कर सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल को, लेकिन मार्कर गिराना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनूवर करती है, यानी कि इधर उधर भागती है, हिलती डुलती है। तो ऐसे में जब हजारों ड्रोन का झुंड होगा, तो उससे चाहे कितना भी मैनूवर कर ले, कितनी ज्यादा स्पीड से क्यों ना आ रही हो,
उन ड्रोन से टकराकर उसे विस्फोट होना ही होगा, आबादी से पहले ही जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तबाह हो जाएगी। हालांकि आपको बता दूं कि चीन भी तैयारी कर रहा है सोन ड्रोन बनाने की, उसने कुछ टेस्ट भी किए हैं, लेकिन चीन ने कभी भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जबकि अमेरिका ऐसे आंकड़े जारी करता है, भले उसका टेस्ट फेल हो या फिर पास हो, वो ऐसे आंकड़े जारी करता है। चीन ने आज तक कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया। बताया जाता है कि जितने भी एक या दो टेस्ट हुए शायद उनके दोनों ही अभी तक फेल हैं। भारत ने सबसे अच्छी बात यह करी है कि सारी एजेंसियों को कह दिया है कि इसे इमरजेंसी बेसिस पर बनाइए और थोड़े ही समय के अंदर इसे बनाकर जैगुआर जो लड़ाकू विमान है उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए, और ये बहुत ही सस्ता सरल और बहुत ही अच्छा उपाय भी है। जी हाँ, क्योंकि इसमें जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही सस्ती क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उन्हें बनाया जाता है आत्मघाती हमला करने के लिए, यानी कि एक बार इस्तेमाल के लिए, तो इसलिए उन्हें इतना ज्यादा कोई खास बनाया नहीं जाता। हालांकि इसके दूसरे इस्तेमाल भी है, आप डिजास्टर में या फिर जैसे कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया वहां पर तेजी से मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए, असिस्टेंट पहुंचाने के लिए, निगरानी रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ड्रोन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी बनानी होगी, उसे आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जो एजेंसी ऐसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हो ही जाएंगी, तो उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपने थॉट कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को। इसी के साथ ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वजाद मतलब यार क्यों नहीं कामयाब होंगी, बेस्ट ऑफ लक यार सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की, इतनी एक यूनिक टेक्नोलॉजी इंडिया ला रहा है। वजाद यार सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक ये प्रोजेक्ट है, और इस तरह का कॉन्सेप्ट सस्ता और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तक ये रोक सकेंगे। पहली बात यार इस तरह का मैंने प्रोजेक्ट आज तक नहीं सुना, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब ड्रोन उड़ा के और हाइपरसोनिक कोई भी मिसाइल, क्योंकि मतलब यार ये डिफेंस सिस्टम भी हाइपरसोनिक स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तुझे पता है, तो सुपरसोनिक को तो चल रोक लेता है, हाइपरसोनिक को रोकना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी है, मतलब ये सस्ती भी है, और मतलब ड्रोन वगैरह मतलब वो जैसी जाएंगे ना झुंड जाएगा, तो यार वो जैसी आएगा वो तबाह हो जाएंगे, जैसी टच होंगे तबाह हो जाएंगे, तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा, तो शायद हवा में इसको उड़ाया जाए, तबाह हो जाएगा ना, वो भी जहाज के जरिए उड़ाया जाएगा, ऐसे नहीं, मतलब ये ड्रोन को जैगुआर जो जहाज है ना इनका एयरक्राफ्ट है उसकी वजह से उड़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या पता नीचे से भी उड़ते हैं, वो तो एक अलग यार वो उड़ते होंगे, लेकिन मतलब वो बता रहे हैं ना कि जैगुआर के साथ यूज होगा, क्योंकि शायद हवा में फिर उड़ाने हैं ना, तो फिर न्यूक्लियर अगर बॉम्ब आ रहा हो तो जाहिर बात है हवा में ही जैगुआर को जाना पड़ेगा यार। लेकिन ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है डीआरडीओ का, हम लोग तो खुद हैरान परेशान, मतलब मैंने आज तक इस तरह का यार सोचा भी नहीं था जो डीआरडीओ ने सोच रही है यार, वही तो बहुत क्रास का प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर ये वाला यार कामयाब हो गया तो मैं कहता हूँ मतलब फिर तो डिफेंस सिस्टम लेने की भी जरूरत है इंडिया को ना, बिल्कुल ये सबसे सस्ता भी है, तो वही तो यार मतलब बहुत ही सस्ते में अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि काफी शॉकिंग है इस कॉन्सेप्ट है, तो क्या कहते हो अपना लाजमी बताना। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, तो यार बाय।